हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी आज आपको गुड़ बादाम और मुरही की लाई के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 150 ग्राम बादाम लिया है और 100 ग्राम गुड़। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें आधा कप पानी डालूँगी। और 100 ग्राम गुड़ इसमें मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए गुड़ जो है वो घुलना शुरू हो गया है। इसे मैं अच्छे तरीके से चलाती रहूँगी ताकि ये चिपके नहीं। अब मैं इस स्टेज पे एक चम्मच घी डाली हूँ। आप डाल भी सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैं डालती हूँ ताकि जब इसमें बादाम जाए तो ये चिपके ना। हमारा गुड़ जो है बन के रेडी हो गया। मैं चेक करूँगी कि गुड़ हमारा जो है वो अच्छे से पका है कि नहीं। ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो बनकर रेडी हो चुका। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पानी में चिपक रहा है। अब इस स्टेज में मैं बादाम डाल दूँगी। ये मैंने सारा बादाम डाल लिया है और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी ताकि सारा बादाम जो है वो गुड़ में मिल जाए। अब मैं एक प्लेट लूँगी, उसे मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए मैंने प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें गुड़ बादाम जो है वो डाल रही हूँ। ये देखिए मैं इसे डाल के इसे मैं अच्छे तरीके से फैला लूँगी ताकि ये एक अच्छा सा शेप में कट जाए। आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब मैं गुड़ बादाम को ठंडा होने रख दूँगी। जब ये हल्का गर्म रहे तभी आप अपना मन चाहा शेप में इसकी कटिंग कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मुढ़ी की रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ मैंने एक पैकेट मुढ़ी लिया है और 125 ग्राम गुड़ लिया है। मैं कढ़ाई में आधा कप पानी डाली हूँ। इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी। डाल करके इसे मैं अच्छे तरीके से चलाऊँगी ताकि ये चिपके ना और गुड़ जो है वो जल्दी से घुल जाए। ये देखिए गुड़ जो है वो घुलना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज में आप एक चम्मच घी डालूंगी। आप डाल भी सकते हैं वरना स्किप कर दीजिएगा। फ्रेंड, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए इसे मैं चला रही हूँ और गुड़ को तोड़ते जा रही हूँ ताकि हमारा गुड़ जो है वो जल्दी से घुल जाए। ये देखिए गुड़ में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। हमारे गुड़ जो है करीब करीब पककर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे चेक करूँगी। ये देखिए मैं पानी में डाल के चेक कर रही हूँ कि ये गुड़ बना है। ये देखिए हमारे हाथ में चिपक गया, यानी कि गुड़ रेडी हो गया है। अब मैं इसमें मुढ़ी डालूँगी। ये देखिए मैं मुढ़ी डाल रही हूँ। डाल के इसे मैं अच्छे तरीके से चलाऊँगी। ये जितना अच्छे से चलाइएगा लाई आपकी उतनी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। इसी तरीके से मैं सारी लाई बना करके रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी लाई बना करके रेडी कर ली है। फ्रेंड्स, मैंने तिल के लड्डू की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।